हाल ही में MG ने अपनी कॉम्पैक्ट कार MG कॉमेट EV को इंडिया के लिए अनवील कर दिया है। लोग इसको काफी पसंद कर रहे हैं, पर क्या इस कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक कार को कोई और कार टक्कर दे सकती है या नहीं? कुछ टाइम पहले इंडियन स्टार्टअप PMV इलेक्ट्रिक ने भी अपनी मिनी कार को लॉन्च किया था। शार्क टैंक में भी आपने इनको देखा होगा, जिसको अब MG कॉमेट EV का एक बड़ा कॉम्पिटिटर देखा जा रहा है। तो चलिए आज की इस वीडियो में बात करेंगे MG कॉमेट वर्सेस PMV की इस इलेक्ट्रिक कार। मार्केट में नैनो जैसी कॉम्पैक्ट EV भी आने शुरू हो गए हैं, और इसी को देखते हुए हम बात कर रहे हैं आज MG कॉमेट EV वर्सेस PMV ईज़ की। अब जब कंपैरिजन की बात हो रही है, तो सबसे पहले बात करते हैं दोनों कार के बैटरी पैक की। PMV ईज़ में आपको 48 वॉल्ट की बैटरी दी गई है, वहीं MG कॉमेट में 7.3 किलोवाट आवर लिथियम आयन बैटरी पैक आपको दिया गया है। अब बात करते हैं दोनों कार की रेंज की, तो PMV ईज़ में आपको 3 रेंज वेरिएंट जो 120 किलोमीटर से 200 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करते हैं, वहीं MG कॉमेट में आपको रेंज ज्यादा मिलेगी जो कि 230 किलोमीटर है। चार्जिंग टाइम की अगर बात करें तो MG कॉमेट को चार्ज होने में 7 घंटे लगते हैं, वहीं PMV ईज़ 4 घंटे में चार्ज होती है। MG की टॉप स्पीड जहां 100 किलोमीटर पर आर है, वहीं PMV ईज़ की टॉप स्पीड की हम बात करते हैं तो ये 70 किलोमीटर पर आर है। MG कॉमेट में अदर फीचर्स जैसे 2 डोर और 4 पैसेंजर सीटिंग स्पेस है, LED हैंड लैंप्स के साथ DRL और टेल लैंप इसमें दिए गए हैं। इसमें आपको 12 इंच व्हील भी आपको देखने को मिलेंगे। वहीं PMV ईज़ में 2 पैसेंजर आराम से बैठ सकते हैं, और ये ब्लूटूथ इनेबल्ड इंफोटेनमेंट सिस्टम, LCD डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, कीलेस एंट्री, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स और LED हैंड लैंप और AC आपको इसमें दिया गया है। अब बात करते हैं सबसे मेन मुद्दे यानी सेफ्टी फीचर्स की। तो यहाँ पर MG कॉमेट में सेफ्टी के लिए ड्यूअल फ्रंट एयरबैग्स, ESC, टाइप प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और रिवर्स पार्किंग कैमरा जैसे फीचर्स आपको दिए गए हैं। वहीं PMV में बोथ पैसेंजर सीट बेल्ट, ड्राइवर एयरबैग, क्रूज कंट्रोल, पार्किंग असिस्ट और रियर व्यू कैमरा जैसे फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। और अब लास्ट में बात करेंगे इन दोनों के प्राइस की, जहां MG का स्टार्टिंग प्राइस अभी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 10 लाख रुपए से शुरू होगा, हो सकता है कि ये कम भी हो। वहीं PMV का जो स्टार्टिंग प्राइस है वो है 4,79,000 रुपीज, जो कि काफी अफोर्डेबल है। तो आपको दोनों इलेक्ट्रिक कार में से कौन सी इलेक्ट्रिक कार अपने लिए सबसे ज्यादा सूटेबल लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही देखते रहिए पावर टॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।